जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलसीए तेजस पर पहली बार स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का एक सफल उड़ान परीक्षण। नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर वायु लिंक सिस्टम्स को इंडक्ट करने की चल रही है प्रोसेस। डीआरडीओ लेबोरेटरीज के साथ संयुक्त रूप से मिलकर भारत की कंपनी ने ही बनाया भारत के लिए चार पैर वाला रोबोट और एक वियरेबल एक्सोस्केलेटन सिस्टम। आज एक हाई लेवल मीटिंग में चीन के साथ लगी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर दिया गया है जोर। और अपने टैंक्स को इनविजिबल बनाने के लिए इंडियन आर्मी खरीद रही है भारत की ये स्वदेशी खास टेक्नोलॉजी। आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव के लिए बेहद ही खास साबित हुआ है, क्योंकि आज 14 मार्च को भारत के प्राइड एलसीए तेजस से स्वदेशी तौर पर बनाए गए पावर टेक ऑफ शाफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया है। और इस परीक्षण के लिए एलसीए तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 3 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। और आज जो ये पावर टेक ऑफ शाफ्ट टेस्ट की गई है, तो इसे चेन्नई में स्थित डीआरडीओ लेबोरेटरी कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीबीआरडीई ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो पावर टेक ऑफ शाफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल कंपोनेंट में आती है। और बाकी आसान शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पावर टेक ऑफ शाफ्ट का काम होता है इंजन से रोटेशनल पावर लेके आगे ट्रांसफर करना। और अब डीआरडीओ लेबोरेटरी ने जो ये स्वदेशी तौर पर पीटीओ शाफ्ट को बनाया है, तो ये हमारे फ्यूचर के फाइटर एयरक्राफ्ट और उनके वेरियंट्स के रिक्वायरमेंट को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा और इस स्वदेशी पीटीओ शाफ्ट की मदद से जो टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। और आज इस पीटीओ शाफ्ट का एक सफल परीक्षण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड रोटर टेक्नोलॉजी है जिस पर कुछ ही देशों ने महारत हासिल करी है। और आज इस सफल परीक्षण के साथ उन देशों में भारत का नाम भी शामिल हुआ है। और डीआरडीओ लेबोरेटरी ने इस पीटीओ शाफ्ट को एक बेहद ही यूनिक फ्रिक्वेंसी स्पैनिंग टेक्निक के साथ डिजाइन किया है। और ये टेक्निक डीआरडीओ लेबोरेटरी ने खुद से इनोवेट करी है, जिसकी मदद से जो ये पीटीओ शाफ्ट है ये अलग अलग ऑपरेटिंग इंजन स्पीड्स में भी आसानी से निगोशिएट कर सकता है। और ये एक लाइट वेट हाई स्पीड लुब्रिकेशन फ्री पीटीओ शाफ्ट है। बाकी इसके अलावा 14 मार्च को डीआरडीओ ने चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी तौर पर बनाए गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किए हैं। और आज के इस परीक्षण के दौरान इन सिस्टम्स को एक ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ लॉन्च किया गया था। और इस परीक्षण में इस सिस्टम ने अपने टारगेट को बिल्कुल सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है और सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक वेरी शॉर्ट रेंज का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कम दूरी में स्थित कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले एरियल थ्रेट्स को टारगेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इसमें कई सारी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, जैसे कि डुअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। और प्रोपल्शन के लिए इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर इस्तेमाल की गई है। 14 मार्च को इंडियन आर्मी ने एक इंडियन स्टार्टअप जिसका नाम है हाइपर स्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इनके साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जो ये इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम है, तो ये खास करके आर्मी के मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए है, जो कि आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने में मदद करेगा। इस टेक्नोलॉजी में लो एमिसिविटी कोटिंग्स और मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है। और इस इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम का इस्तेमाल करने से जो हमारे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, तो वो दुश्मन के जो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस होते हैं या फिर उनके बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार टैंक बेस्ड थर्मल कैमरा, तो उनकी नज़र में आसानी से नहीं आएंगे। और ये टेक्नोलॉजी IDX परियोजनाओं के तहत विकसित की गई है। और इसलिए रिवाइज प्रोसीजर के अनुसार IDX परियोजना के तहत प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस करने वाली इंडियन आर्मी इंडियन आर्म फोर्सेज की पहली सर्विस बनी है। और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ओपन चैलेंजेस, IDX फॉर फौजी, IDX प्राइम, तो इन सभी इनिशिएटिव्स के तहत आर्मी के टोटल 48 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है। और इसके तहत आर्मी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए करीब 41 स्टार्टअप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और बाकी आज इंडियन आर्मी द्वारा इंडियन स्टार्टअप के साथ इस इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। और इसी बात पर वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 6 मार्च से 13 मार्च तक जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी के बीच एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र के 13वें एडिशन को आयोजित किया गया था। और ये एक बायलेटरल आर्मर एक्सरसाइज थी। और इस बार इस एक्सरसाइज के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों की आर्मीज ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड लेवल की प्लानिंग एलिमेंट्स, कंप्यूटर वॉर गेमिंग, तो ये सभी इन्वॉल्व थे। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि जो ये एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र है, तो ये सबसे पहले किस वर्ष में आयोजित की गई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस भारत के ही एक स्वदेशी सिस्टम जिसका नाम है वायु लिंक, तो इसे भारत के नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर इंडक्ट करने की प्रोसेस में है। ये जो वायु लिंक सिस्टम है, इसे विकसित किया है इंडियन एयरफोर्स के ही विंग कमांडर विशाल मिश्रा ने,
जो कि एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसकी मदद से जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स हैं वो एक जॉइंट बैटल स्पेस में फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगी। और विंग कमांडर विशाल मिश्रा के मुताबिक ये जो वायु लिंक सिस्टम है ये ना केवल कॉम्बैट सिचुएशन में फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के माध्यम से एक बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करेगा, जबकि इसके अलावा ये सिस्टम उड़ान भरने से पहले हमारे पायलटों को मौसम का एक सटीक डेटा भी प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। और इस वायु लिंक सिस्टम को एयरो इंडिया शो 2023 में भी डिस्प्ले किया गया था। बाकी एयरफोर्स ऑफिशियल्स के मुताबिक इस सिस्टम के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए इसके जो ट्रायल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसको तैनात करने के लिए सिस्टम की जो खरीद प्रक्रिया है वो जारी है। और एक बार इन सिस्टम्स की खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर सभी फॉरवर्ड एरियाज पर इन सिस्टम्स की मास डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और जबकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने इस सिस्टम को ट्रायल बेसिस पर वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स में अपनी फॉरवर्ड लोकेशंस पर ऑलरेडी डिप्लॉय कर भी दिया है और भविष्य में सिस्टम की रीच को और इन्हेंस करने की योजना है। और वायु लिंक एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक सिंगल लिंक के माध्यम से सभी एंटिटीज कॉम्बैट नॉन कॉम्बैट इन सभी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ऑफिशियल के मुताबिक ये सिस्टम बैटलफील्ड में सभी फ्रेंडली फोर्सेस की पोजीशंस प्रोवाइड करने में सक्षम है और अगर इसे किसी कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिस्टम उस सिचुएशन में इन्वॉल्व सभी एयरक्राफ्ट को एक दूसरे की पोजीशन और अपनी ग्राउंड ट्रूप्स के लोकेशंस को देखने में भी मदद कर सकता है। और इस सिस्टम को आर्मी की सर्विस में त्रिशूल लिंक के नाम से इंडक्ट किया गया। और एयरफोर्स ऑफिशियल के मुताबिक अभी वर्तमान समय में हमारे अटैक पायलट्स के पास ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं थी जिसकी मदद से हम बैटलफील्ड में अपनी फ्रेंडली फोर्सेस की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकें। और इस तरह की कैपेबिलिटी ना होने की वजह से पायलट को कॉम्बैट सिचुएशन में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसे खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जमीन पर मौजूद उसके ट्रूप्स कौन है और दुश्मन के ट्रूप्स कौन से हैं। लेकिन अब जो वायु लिंक सिस्टम है ये इस काम को और आसान बना देगा। और जबकि मिलिट्री के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि 2016 में जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो उसके जवाब में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स मिशंस में भी ये सिस्टम हमारी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन जो बदगांव में एक फ्रेंडली फायर में हमारा एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर शॉट हुआ था जिसमें हमने अपने 6 वीरों को खोया था, तो ये जो वायु लिंक सिस्टम है तो वो इस तरह के केसेस को भी अवॉइड करने में मदद कर सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट में खुद का एक आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम होता है और जिसकी मदद से ये पता लगा जाता है कि एयरक्राफ्ट हमारा है या दुश्मन का, लेकिन इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि एक तो ये सिस्टम अभी के समय केवल एयरक्राफ्ट तक ही एप्लीकेबल है और दूसरा इसके काम करने के लिए रडार्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका जो वायु लिंक सिस्टम है इसे आप एयरक्राफ्ट, किसी इंडिविजुअल ट्रूप्स, ग्राउंड पर मौजूद आर्मर्ड व्हीकल्स, इनमें से किसी पर भी इक्विप्ड कर सकते हैं और जिससे आपको ये मदद हो सकती है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। आज न्यू दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग के दौरान नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण को लेकर उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा की गई है। और आज के इस मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा कि जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी को स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है और ये कमेटी नियमित अंतराल पर बैठक करेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हैदराबाद बेस्ड भारत की एक कंपनी जिसका नाम है स्वयं रोबोटिक्स, तो इस कंपनी ने DRDO की दो लैबोरेटरीज के कोलैबोरेशन के साथ भारत का पहला क्वाड्रोपेड रोबोट और वियरेबल एक्सोस्केलेटन सिस्टम को विकसित किया है। और इसको विकसित करने के लिए DRDO की जो दो लैबोरेटरीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो उसमें से एक है पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी है बेंगलुरु में स्थित डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी। और इन लैबोरेटरीज के ही डिजाइन इनपुट्स के साथ ये चार पैर वाला रोबोट और वियरेबल एक्सोस्केलेटन का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर विकसित किया गया है। ये दोनों ही डुअल यूज सिस्टम्स हैं और इन्हें इंडस्ट्री और हेल्थ केयर दोनों ही जगहों पर अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इन्हें जल्दी फील्ड ट्रायल्स के लिए भी आगे लाया जाएगा और इन्हें इस तरह से भी विकसित किया जा रहा है ताकि इन्हें डिफेंस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका जो ये चार पैर वाला रोबोट है तो ये हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अनस्ट्रक्चर्ड टेरेन्स पे नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है और जो दूसरा है वेरिएबल एक्सोस्केलेटन सिस्टम, तो इसकी मदद से लंबी दूरी तक चलने के लिए हम हमारे सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं और इसकी मदद से हमारे सोल्जर्स हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं और लंबी दूरी तक बिना थके चल सकते हैं। और इस तरह के सिस्टम्स पूर्वी लद्दाख के टफ टेरेन में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक भारत सरकार प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों के तहत जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की जांच अनिवार्य करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही है। जैसे कि आप सभी को पता हो कि जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो उस फोन में पहले से इंस्टॉल कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को आप अपने फोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए भारत सरकार की योजना है कि वो स्मार्टफोन मेकर्स को ये कहें कि वे इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को रिमूव करने का ऑप्शन दें। और इस तरह के एप्लीकेशंस के माध्यम से यूजर डेटा का गलत इस्तेमाल या फिर स्पाइंग
तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही आईटी मिनिस्ट्री इन नए रूल्स को कंसिडर कर रही है। और रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं तो ये एक वीक सिक्योरिटी पॉइंट है और हम नहीं चाहते कि कोई भी फॉरेन नेशन इसका गलत इस्तेमाल करे, इंक्लूडिंग चाइना, और इसलिए ये एक राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन मेकर्स को प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के अनइंस्टॉल का ऑप्शन देने के अलावा अब जो इनके नए मॉडल्स होंगे तो उन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एजेंसी द्वारा ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज द्वारा अनुपालन के लिए चेक किया जाएगा। और बाकी आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि रॉयटर्स की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इस पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। और इतना ही नहीं बल्कि रॉयटर्स की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये दावा किया गया है जिसके मुताबिक भारत ने अपने बैंक्स और ट्रेडर्स को कहा है कि वे रशियन इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल करना अवॉइड करें। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो रशियन ऑयल और उनके डिस्काउंटेड कोल के टॉप बायर के तौर पर उभर कर सामने आया है और भारत रशिया के साथ अपने इस ट्रेड को सेटल करने के लिए यूएई के धर्म के उपयोग को प्राथमिकता देगा। और इसलिए रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने बैंक्स और ट्रेडर्स को कहा है कि रशिया के साथ ट्रेड को सेटल करने के लिए आप चाइनीज युआन का इस्तेमाल ना करें बल्कि यूएई के धर्म का इस्तेमाल करें। और बाकी चाइनीज युआन का इस्तेमाल ना करने के पीछे का कारण क्या है तो उसके बारे में कोई एग्जैक्ट रीजन मेंशन नहीं किया गया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑकस अलायंस के तहत यूएस से न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का होना चीन जैसे हमारे चिन्हे पड़ोसी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। और इसलिए इस अनाउंसमेंट के बाद अब चीन ने यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया को एक्यूज किया है कि ये तीनों गलती और खतरे की राह पर हैं। अब आगे चीन इसे गलती कहे, खतरा कहे या कुछ और कहे, लेकिन सच तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिल रही है, तो इसलिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और हाँ, घबराना से याद आया, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान काफी घबराए घूम रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि इमरान खान आज रात तक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिलहाल अभी पाकिस्तान में पीटीआई वर्कर्स और इमरान खान के सपोर्टर्स एक बड़े विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आ रही जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के घर में शेलिंग भी की जा रही है। अब इस पर क्या ही कहें, बस फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में छत्तीसगढ़ में एक नक्सल हमले के दौरान आईटीबीपी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1992 में इम्फाल में एक ऑपरेशन के दौरान एसएसबी के 6 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।